का से कबूतर, का से कलम, का से कमल, का से कछुआ, खा से खरगोश, खा से खत, खा से खटमल, खा से खरबूजा, गा से गधा, गा से गमला, गा से गाजर, गा से गाय, घा से घोड़ा, घा से घड़ा, घा से घड़ियाल, आड़ा खाली, चा से चम्मच, चा से चटाई, चा से चाबी, चा से चांद, छा से छतरी, छा से छत्ता, छा से छड़ी, छा से छात्र, जा से जहाज, जा से जग, जा से जलेबी, जा से जामुन, झा से झंडा, झा से झाड़ू, झा से झूला, इया खाली, टा से टमाटर, टा से टब, टा से टोपी, टा से टोकरी, ठा से ठठेरा, ठा से ठप्पा, ठा से ठेला, ठा से ठंडा, डा से डमरू, डा से डाल, डा से डाकिया, डा से डंडा, ढा से ढोल, ढा से ढक्कन, ढा से ढाल, आड़ा खाली, ता से तरबूज, ता से तकिया, ता से तबला, ता से तितली, था से थैला, था से थर्मस, था से थन, था से थाली, दा से दवात, दा से दर्पण, दा से दरवाजा, दा से दीपक, दर्पण यानी कि शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, धा से धनुष, धा से धन, धा से धावक, धा से धागा, धन यानी पैसा और धावक माने जो दौड़ता है, ना से नल, ना से नमक, ना से नाव, ना से नींबू, पा से पतंग, पा से पपीता, पा से पत्ता, पा से पेड़, फा से फल, फा से फसल, फा से फूल, फा से फुटबॉल, फसल, फूल, फुटबॉल, बा से बस, बा से बतख, बा से बकरी, बा से बंदर, भा से भालू, भा से भगत, भा से भाला, भा से भेड़, मा से मछली, मा से मटर, मा से मटका, मा से मोर, या से यज्ञ, या से याक, या से योग, या से यमराज, रा से रथ, रा से रबड़, रा से रस्सी, रा से राजा,
ला से लड्डू ला से लड़का ला से लड़की वा से वन वन यानी कि जंगल वा से वक वा से वस्त्र वा से वर्षा वस्त्र यानी कि कपड़े और वर्षा यानी कि बारिश शा से शलजम शा से शहद शा से शरबत शा से शंख शा से षटकोण शा से षट शा से षटपद शा से षोडश षटकोण यानी कि इसके छः पार्ट्स हैं। षट यानी कि छः, षटपद यानी कि इसके कितने पैर हैं, छः पैर, सिक्स लेग्स। षोडश सोलह को कहते हैं, यानी कि सिक्सटीन को कहते हैं षोडश। सा से सपेरा, सा से सब्जी, सा से संतरा, सा से सेब। हा से हल, हा से हिरन, हा से हथौड़ा, हा से हाथी। इक्ष से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, क्षत्रिय माने जो युद्ध में दुश्मनों से लड़ते हैं, त्र त्रिशूल, त्रिशूल से हम दुश्मनों को मार सकते हैं। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञानी यानी कि जिनको बहुत ज्ञान होता है, जिनको सब कुछ पता होता है और हर क्वेश्चन का आंसर वो दे सकते हैं। श्रा से श्रमिक, श्रमिक यानी कि मजदूर, जो पूरे दिन मेहनत करके घर बनाता है।